तो आज फिर से हम एक छोटा सा पेशेंट रिव्यू लेते हैं कि RIRS के बाद कैसा लगता है, और साथ में अभी अभी सर का स्टेंट रिमूव हुआ है जस्ट अभी, तो आफ्टर स्टेंट रिमूवल भी कैसा लगता है, क्या प्रोसेस होता है, एक बार हम एक बेसिक पेशेंट से खुद ही पूछते हैं ताकि हमें रियलिटी का थोड़ा सा पता लग सके। सो एक तो कैसे आपका RIRS कराने आना हुआ, यहाँ कहाँ से हैं आप, और क्या प्रॉब्लम था जो हमने RIRS कराया? बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ एंड मेरे को ये स्टोन की प्रॉब्लम हो रही थी अराउंड 8-9 मंथ्स से। मैंने पहले भी बीच में अल्ट्रासाउंड्स करवाए तो स्टोन्स निकले, तो आई थॉट कि ठीक है फाइन, सर्जरी के सोच के इंसान थोड़ा सा हो जाता है, फंसी हो जाता है कि यार इन सब चीज़ों में कौन पड़ेगा और ये सब। तो आई वेंट फॉर द मेडिसिन पहले, तो फिर ये इनिशियली स्टार्टिंग में मेडिसिन लिए, नहीं वर्कआउट करा, फिर आई थॉट ऑफ कि आप बेसिकली हमें सर्जरी करानी पड़ेगी, प्रोसीजर कि हाँ जस्ट गो फॉर द सर्जरी। एंड देन सो स्टोन्स हमारे कहाँ कहाँ थे अगर इफ यू रिमेंबर? यूरेटर में था मेरे, दैट वाज स्टक बिल्कुल 8 mm का, एंड किडनीज में थे। राइट, सो ओवरऑल फिर जैसे हमने जब डिस्कस किया था सर्जिकल ऑप्शन, तो बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शन की बात की थी, एक URS की बात की थी, लिथोट्रिप्सी की बात की थी, PCNL की बात की थी, और RIRS की भी बात की थी, तो फिर अल्टीमेटली RIRS पे कैसे हमने नैरो डाउन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में ये था, मतलब मेरी फैमिली के भी जब हमने कंसल्ट करा, ऑल्दो द सर्जरी इज़ अ लिल कॉस्टलियर मतलब अदर सर्जरी से, बट ओनली कंसर्न वॉज कि ये बहुत हैसल फ्री है बिकॉज कोई ओपन नहीं हो रहा है इसमें और आपको कोई ऐसे बहुत बेहोश नहीं कर दे रहे हैं। आई वॉज कॉन्शियस मेरी सर्जरी के टाइम पे, मेरे को सब दिख रहा था, आई कुड सी कि कहाँ पे स्टोन है, कैसे रिमूव हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर ऑल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज द डॉक्टर। आपने इतना अच्छा सजेस्ट करा कि ये सर्जरीज ऐसे ऐसे डिफर करती हैं नॉर्मल से और इतना कम टाइम लगता है, सो इवेंचुअली सो दैट्स व्हाई यू चोज RIRS, क्योंकि यू फाउंड इट वाज पेनलेस, इट वाज विदाउट एनी कट, विदाउट एनी, क्योंकि इतने सारे स्टोन्स थे। लिथोट्रिप्सी इज आल्सो सिमिलर, मतलब काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, वो भी बिना ऑपरेशन के हो जाता है, बट देयर वर सो मेनी स्टोन्स, तो हम किस किस को तोड़ते, सो वी आई थिंक वी हैड अबाउट 4-5 स्टोन्स इन द सिस्टम, सो आई थिंक RIRS से एक ही बार में वी कुड राइट। एंड फिर ये भी था कि बार बार इस चीज को छेड़ना इज आल्सो नॉट द राइट थिंग, सो इसलिए एक बार में काम। राइट, सो RIRS के बाद आपको क्या सफर रहा आपका, मतलब इन द सेंस के कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, प्रोसेस कैसे होता है, कितना टाइम में सर्जरी को लगता है, क्या क्या आपने इसमें देखा, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है? सो बेसिकली माय स्टे वाज फॉर 2 days, टू नाइट्स बेसिकली, एंड स्टार्टिंग में तो आई कुडंट फिगर आउट कि मेरी सर्जरी हो भी गई है, एंड देन एनवायरनमेंट वाज सो गुड, डॉक्टर्स वाज सो गुड, एंड कि मेरे को कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि सर्जरी हो भी रही है मेरे साथ, इट वाज पेनलेस लाइक यू सेड। एंड उसके बाद आफ्टर दैट एक दिन के लिए जब तक कैथेटर रिमूव नहीं होता है, थोड़ा सा स्लाइट पिंच होता है आपको, दैट इज़ बेयरेबल, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पैनिक कर जाओगे या बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एंड सेकेंड आई वॉज फाइन, आई वॉज गुड, और उसके बाद 1 week लेटर अभी हमने स्टेंट्स भी रिमूव कर दिया एंड आई एम परफेक्टली फाइन। सो ओवरऑल RIRS में इतना कॉस्ट क्यों लगता है आपके हिसाब से, जिससे पेशेंट्स कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सर ये तो बाकी सब सर्जरी से ज़्यादा कॉस्टली है, आपको लगता है इतना कॉस्ट जस्टिफाइड है इसके लिए, मतलब कहाँ कहाँ आपको लगा कि कॉस्ट इसमें लगता है? मेरे को बिल्कुल लगता है कि जस्टिफाइड है बिकॉज आई एम सो फसी पर्सन व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल्स, क्योंकि मेरे को डर लगता है हॉस्पिटल से एंड द एनवायरमेंट बिकॉज आई हैव सीन इट इन द पास्ट मेरी फैमिली में केसेस, तो फिर इसीलिए आई वॉज वेरी प्रीटी मच कंसर्नड अबाउट दिस कि हाँ चलो ये प्रोसीजर, ऑल्दो इट्स कॉस्टली बट इट्स वेरी गुड बिकॉज इतनी अच्छी इसमें आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वे टू कॉस्टली अगर आप वैसे नॉर्मल सर्जरीज में मशीन्स देखेंगे, एंड इट्स फ्लेक्सिबल इनफ कि आप मूव कर सकते हैं अंदर, यू कैन रिमूव द स्टोन्स ईजिली एनीवेयर फ्रॉम द किडनी और इवन फ्रॉम द यूरेटर, जहाँ भी आपके फंसा है, जहाँ भी फंसा है। सो दैट वॉज द प्राइमरी कंसर्न, सो बिकॉज ऑफ द लेजर जो अपने आप ही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस वो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक स्कोप जिस जो कि रिकरिंग कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से सर्जरी ओवरऑल थोड़ी कॉस्टली हो ही जाती है, बट जैसे कि हमारे पेशेंट हमें बता रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी यू कैन से जस्टिफाइबल, एंड और जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके हिसाब से इट इज वर्थ द एफर्ट, एंड आफ्टर ऑल नथिंग कम्स फर्स्ट फ्रॉम योर हेल्थ, ऑफ कोर्स हेल्थ इज द मनी इज नॉट इवन क्लोज टू योर हेल्थ, अगर आप सही है तो इवेंचुअली यू विल स्पेंड द मनी। आई अंडरस्टैंड, सो अभी हमने स्टेंट रिमूवल भी कराया है, तो कई पेशेंट्स को ये भी होता है सर, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने स्टेंट नॉर्मली हम हर पेशेंट को RIRS के बाद स्टेंट नहीं डालते, बट क्योंकि हमारा स्टोन इतने दिन से था वहाँ पे, काफ़ी स्वेलिंग थी, सो वी वांटेड के वो रास्ता जो है वो प्रॉपरली हील हो सके, उसमें कोई पस जो है वो क्लियर हो सके, इसलिए हमने 1 week के लिए स्टेंट रखा था।
तो एक तो स्टेंट जिसे निकलवाया, तो कैसा प्रोसेस होता है, इसमें कितना पेन होता है, अभी आपका स्टेंट निकला है, ओवरऑल क्या आपके डर थे और क्या हुआ, और आप पेशेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बस एक ही डर था कि हम उस चीज़ को नम करेंगे, उस एरिया को किया नहीं, बिकॉज थोड़ा सा होता है एज अ पेशेंट मेरे दिमाग में कि कहीं पिंच ना हो जाए या कहीं दर्द ना हो जाए. बाकी इट वॉज अ प्रोसीजर फॉर 10-15 सेकेंड्स आई गेस, एंड 10-15 सेकेंड्स में हम सेटिंग राइट अवे फ्रंट ऑफ सो. तो यू फील के इतना कोई बहुत पैनिक करने की कोई बात नहीं है? कोई पैनिक करने की बात नहीं है. वंडरफुल. ओवरऑल और स्टैंड से क्या क्या परेशानी आपको लगी के रहती है? स्टार्टिंग के 2 डेज में यू फील द प्रेशर जहाँ पे आपके स्टेंट्स होते हैं, जब आप यूरिनेट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आपको एक प्रेशर फील होता है कि आपको रियलाइज होता है कि हाँ स्टेंट्स हैं. बट द 3rd-4th डे उसके बाद आप यू बिकम फ्रेंड्स, जैसे मैं कहता हूँ अपने वीडियोस में, दोस्त बन जाते हैं. दोस्त बन जाते हैं, मैं भी बन गया था. राइट. सो बेसिकली एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से अबाउट RIRS इन पर्टिकुलर, या और भी अभी कोई डाउट्स हों आपके? सी, आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा सोच के कि हाँ आप मेडिसिन ले लो या आप इधर उधर दिखा लो या जो भी है, ऑल दो द सर्जरी इज बिट कॉस्टली नॉर्मल से, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. मैं एज अ पेशेंट इतना रिलीफ फील कर रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई और हो मेरी जगह तो वो भी इतना ही रिलीफ फील करेगा. एब्सोल्युटली. एक्चुअली क्या होता है, सर्जरी के नाम से बहुत घबरा जाते हैं हम, और आजकल सर्जरी जो पहले जितना सोचते थे हम, सर्जरी होगी, कट लगेगा, रिकवरी होगी, आजकल बहुत ही मॉडर्नाइज हो गई है टेक्नोलॉजी और बहुत ईजी हो गया है, तो अब सर्जरी इतनी फील नहीं होती है. हाँ, बस उसका नाम डरावना रह गया है, बट आई थिंक वो प्रोसेस अपने आप में बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है. थोड़ा एरिया, थोड़ा ये रूम थोड़ा सा लगता है, बट मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई पॉइंट है और प्रॉब्लम. इट्स जस्ट इनिशियल इनर्शिया, थोड़ा सा आपको ओवरकम करना पड़ता है. बिल्कुल राइट. सो आई होप के वील हैव अ स्टोन फ्री लाइफ. अभी हमने जैसे कि यू हैव सीन के वी हैव गॉट द स्टोन चेक्ड आल्सो, ताकि हम रिकरेंस को कम कर सकें. सो वी नो कि हमारा स्टोन इज ऑक्सलेट, है ना. सो देयर आर सर्टेन डाइट थिंग्स व्हिच आई विल टेल यू नाउ, जो हम लेंगे तो वी विल बी एबल टू रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ रिकरेंस. सो लुक फॉरवर्ड टू हैव अ स्टोन फ्री लाइफ फॉर यू. ऑल द बेस्ट.